मेरा एक वीडियो पे कमेंट मिल रहा था कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट मुझे ओपन करने है, लेकिन ओपन करने के लिए जब जा रहा हूँ तो ओपन नहीं हो रहा है। आखिर मेरे फिनकेयर के पास क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आखिर मैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो जितना हो सके उतना मैं इस वीडियो पे एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा, इस वीडियो पे दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, लेकिन लाइव प्रूफ करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि लाइव प्रूफ में कर नहीं सकता क्योंकि मेरे नाम पे ऑलरेडी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 101 फास्ट सेविंग अकाउंट है। और अगर किसी के पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो वो दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। अगर दूसरा अकाउंट ओपन करते तो या तो उन्हें ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है या फिर उन्हें करेंट अकाउंट ओपन करना है या फिर उस अकाउंट को ब्लॉक करना है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उनके बाद फिर भी वो उस कैटेगरी का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते जो ऑलरेडी उनके पास है। जैसे कि मेरे पास है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 101 फास्ट। अगर मेरा अकाउंट में ब्लॉक कर दू तो मैं नया अकाउंट गैदर 101 फास्ट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन कर सकती हूँ, लेकिन एक मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना होगा। इसलिए मैं लाइव प्रूफ तो प्रोसेस दिखा नहीं सकता, लेकिन जितना हो सके उतना मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आपको नया अगर आपको पता करना है तो वीडियो रास्ते किसी भी जगह पे आप स्किप मत करिए, नहीं तो बहुत कुछ आप मिस कर जो आखिर में आपके लिए साबित हो सकते हैं, जो आखिर में आपको जानना चाहिए। अगर बात करें फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा अकाउंट का कैटेगरी होते हैं, जहाँ पे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रायोरिटी कस्टमर, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 101 फास्ट अकाउंट, ऐसा करके बहुत सारा कैटेगरी है जहाँ पे अगर आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रायोरिटी कस्टमर अगर आप होते हो यानी प्रायोरिटी अकाउंट अगर आप ओपन करते हो तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा जो 10,000 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 101 फास्ट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं है, कोई भी डेबिट कार्ड का चक्कर नहीं है, यानी आपका डेबिट कार्ड रहेगा वर्चुअल, जो वर्चुअल आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप फिजिकल भी ले सकते हो। आपको एक चेक बुक मिलेगा जो अगर चाहते हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके पास चेक बुक मिल जाएगा। आप वीडियो कैसे के थ्रू फुल कैश भी कर सकते हो, कोई भी मिनिमम बैलेंस आप नहीं रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एसएमएस अलर्ट चार्ज, कोई भी ईमेल अलर्ट चार्ज, कोई भी डेबिट कार्ड चार्ज, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी आपसे नहीं लिया जाएगा। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 101 फास्ट अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली आप गूगल क्रोम पे ओपन करिए। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको लिखना होगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट। जब भी आप लिखकर सर्च करते हो थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाएगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 101 फास्ट अकाउंट, उस जगह आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ऊपर एक बैनर शो होगा जहाँ पे लिखा होगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 101 फास्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट विदाउट एनी मेंटेनेंस बैलेंस का लिखा होगा, उस जगह पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक 101 फास्ट सेविंग्स अकाउंट, उस जगह पे आपको क्लिक करना है, यानी 101 फास्ट अकाउंट को ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे आपका कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जब भी आप ये सब डिटेल्स देते हो यानी आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपका एड्रेस जो भी आधार कार्ड से फेस कर दिया जाएगा, आपका नॉमिनी आप चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, नहीं भी आप स्किप भी कर सकते हो। जब डिटेल्स देने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जब भी आपका अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो सकते हैं तब आप वीजी कैसी के थ्रू फुल कैसी भी कंप्लीट कर सकते हो या फिर किसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो जो नॉर्मली पहले था, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट बुक है या फिर नहीं है वो तो अभी तक मुझे पता नहीं है कि पहले यानी 2020-21 दो साल तक अपॉइंटमेंट बुक हो रहा था, मतलब वीडियो कैसी के थ्रू अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते थे। उससे पहले आपका घर पे आकर फुल कैसी करते थे, जैसे कि मेरे केस पे हुआ था घर पे आके फुल कैसी किया था बायोमेट्रिक के थ्रू। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट ओपन अगर चाहते हो तो आप ओपन कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप ठीक से देखिए, देखने के बाद ही आप अकाउंट ओपन करिए, मुझसे कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला है तो कमेंट सेक्शन में जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हो, जितना हो सके उतना हेल्प करने के लिए कोशिश करते हो, क्योंकि मैं तो बैंक का कोई भी एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं तो बैंक पे काम भी नहीं करता, इसलिए मुझे तो जितना पता है मुझे जितना आता है उस हिसाब से मैं ट्राई करता हूँ कि आपका हेल्प जितना हो सके वो कर पाऊ, क्योंकि अगर आपको मैं हेल्प कर पाऊंगा तो मेरा ही फायदा है, क्योंकि अगर आपका कोई प्रॉब्लम होते है तो प्रॉब्लम को देखना मेरा ही काम है। अगर आपको मैं हेल्प कर पाता हूँ तो आप भी मेरे तरफ देखोगे और मेरा चैनल को पहले की तरह सपोर्ट बना रहोगे।
सो एजा का सेंटर अपडेटेड जो कमेंट्स था, जो डिटेल्स था, जो अपडेट था, जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की। अगर कोई और डाउट पे प्रश्न है मुझे कमेंट में बताने के लिए कोशिश करिए, मैं कमेंट पे जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना एक रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा विद इन 24 to 48 hours के अंदर। सो एजा का आज के बेटा अपडेट एक्सप्लेन किया हेल्पफुल हुआ। अगर प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। सो दैट वीडियो हैव अ